तीन दिन आज चंदखुरी में कौशल्या माता मंदिर की विकास और लोकार्पण कार्यक्रम का समापन हुआ। रोज हजारों श्रद्धालु वहां आ रहे थे और दर्शन भी कर रहे थे और सभी भजन, रामलीला, सांस्कृतिक कार्यक्रम सबका आनंद लिया। बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ है। प्रदेशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। कल बनारस में प्रियंका जी की बड़ी रैली है और उसमें मुझे भी सम्मिलित होना है और जा रहा हूँ तो बनारस में भोलेनाथ के दर्शन भी होंगे, अन्नपूर्णा माता के भी दर्शन होंगे, कुष्मांडा के भी दर्शन होंगे। बनारस को कहते हैं बना रहे रस कहा जाता है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ सर कि कोयले की कमी पूरे देश में हो रही है, कह रहे हैं चार दिन की कोयला ही बचा है। छत्तीसगढ़ में कोयले की क्या स्थिति है आपूर्ति, और इस पर मतलब क्या है आप ऊर्जा मंत्री भी? देखिए उस लगातार अधिकारी उसमें नजर रखे हुए हैं कि छत्तीसगढ़ में आपूर्ति की कोई कमी ना हो और उसके लिए यथा संभव उसका प्रयास किया जा रहा है। फिर कवर्धा वाले मामले में नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि इसकी जो न्यायिक जांच भी नहीं होगी। देखिए जो जांच हो रही है उसमें यदि उसमें कोई गलत है, कोई उसमें दोषी है जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है तो नेता प्रतिपक्ष और उसके साथीगण नाम पुलिस को दे दें, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसकी जांच की जाएगी और सही पाया गया तो कार्रवाई भी होगी। सर ये सिंघू बॉर्डर पर जो किसान हड़ताल कर रहे हैं उसको खाली कर रहे हैं कराने की रणनीति बनाई जा रही है, आज सीएम खट्टर और अमित शाह की बैठक भी इसको लेकर। अब खट्टर साहब के तो बयान आ गए हैं कि किसान जो आंदोलनकारी किसान उसे सर फोड़ दो, बड़े नेता बन जाओ, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बयान है सुधर जाओ नहीं सुधार देंगे, इस प्रकार के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी उसे खालिस्तानी समर्थक, कभी पाकिस्तानी समर्थक, कभी आतंकवादी तो कभी ठलुआ, अनेक विशेषण से घोषित किए हैं, तो उनके नजरिया किसान विरोधी रही है और स्पष्ट हो गया कि किसान को कुछ नहीं समझते और उसे रौंद भी देते हैं तो उनको अफसोस नहीं है। और अभी तक इस मामले में केंद्रीय सरकार की ओर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से एक भी बयान नहीं आया। आप उत्तर प्रदेश जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अब आपके किसान विरोधी रही है और स्पष्ट हो गया कि किसान को कुछ नहीं समझते और उसे रौंद भी देते हैं तो उनको अफसोस नहीं है। और अभी तक इस मामले में केंद्रीय सरकार की ओर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से एक भी बयान नहीं आया। अभी जब आप उत्तर प्रदेश जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अब आपके आप पर निगाहें हैं, लगातार बयान भी आ रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के, योगी जी के भी बयान आ गया, टीएमसी भी आप पर जो है बंद कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए मुझे कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया है, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी को धन्यवाद देता हूँ। और अभी हिमाचल प्रदेश के वहाँ स्टार प्रचारक के रूप में भी मुझे जिम्मेदारी दी गई है, तो पार्टी पहले भी जिम्मेदारी देती रही और अब भी जिम्मेदारी। क्या पहले तो दोस्ती थी, अब लग रहा है कि थोड़ी दूरियां बढ़ेगी, उसके बारे में बयान आ चुका है। देखिए जहाँ तक गठबंधन की बात है या नेतृत्व की बात है, बहुत गंभीरता से इसको प्रयास किया जाना चाहिए और इसे सतही तौर पे इसका निर्णय नहीं हो सकता। इसमें योगी जी का भी बयान आया था, आदित्यनाथ कह रहे हैं इसमें कि ये छत्तीसगढ़ में जो रहा उसकी चिंता आपको नहीं है और लखीमपुर की घटना आपको मालूम नहीं थी और आप वहां पर चले गए, लगातार उनके बयान और ट्वीट आ रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि तीर सही जगह निशाने पर लगी है और योगी आदित्यनाथ जी बफला गए। योगी आदित्यनाथ योगी के राज में महंत आत्महत्या करे, उसके क्षेत्र में पूर्वांचल में एक व्यवसायी की हत्या हो जाती है उसके बारे में कुछ नहीं कहते, पत्रकारों की हत्या हो जाती कुछ नहीं बोलते, कवर्धा के मामले में
लगातार हम लोग निगाह रखे हुए हैं, वहां शांति है और जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए वो निश्चित रूप से हम उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी एक सवाल इधर से ले लीजिए, अभी अस्पताल कह रहे हैं कि मंत्रियों को ठीक कर देंगे, क्या मंत्री बिगड़ रहे हैं आपके? और कोई सवाल? ठीक है, थैंक यू। चलना भी, चलो बनारस बना रहेगा, मिलेंगे आपको, मिलेंगे। हाथ रस और बनारस दो ही रस है। मैंने इसलिए कहा ना, बनारस कहते हैं बना रहे रस। हाँ तो भाई, रस नाम से दो ही शहर है, एक हाथ रस है दूसरा बनारस। शुभकामनाएं रस है।